खबर है प्रयागराज से, जहां प्रयागराज में विद्युत उपखंड झूसी अबूसा मोड़ पावर हाउस हनुमानगंज में बड़ा घोटाला। जहां खबर है यूपी के प्रयागराज से, जहां प्रयागराज क्षेत्र के 132 केवी विद्युत उपखंड झूसी अबूसा मोड़ पावर हाउस हनुमानगंज में बड़ा घोटाला। आपको बता दें कि 132 केवी विद्युत उपखंड झांसी अबूसा मोड़ पावर हाउस हनुमानगंज में तैनात आदिल रशीद ने बताया कि एक्टर 132 केवी विद्युत उपखंड सूची अबूसा मोड़ पावर हाउस हनुमानगंज में अवर अभियंता ओम प्रकाश टीजीटी अरविंद कुमार यादव की द्वारा ट्रांसफार्मर तेल कॉपर वायर व अन्य सामान आए दिन रात में ट्रक द्वारा चोरी से बेचा जा रहा है। हमने गेट पास मांगा तो मुझे अलग अलग प्रकार के सिग्नेचर करके गेट पास दिया जाता था। जब गार्डन आदिल रशीद ने यह भी बताया कि जब हम सही गेट पास मांगे तो मुझे अवर अभियंता ओम प्रकाश द्वारा धमकी दी जाती है कि मुंह बंद रखो नहीं तो ट्रांसफर करवा देंगे। वही आदिल रशीद ने यह भी बताया कि अभी तक कई लाख रुपए का सामान बेचा जा चुका है और कहा गया है कि चोरी का सारा सबूत है हमारे पास। वहीं पत्रकारों से बातचीत के दौरान आदिल रशीद ने बताया कि इसकी सूचना भूतपूर्व सैनिक कल्याण निगम को देने पर गार्डन आदिल रशीद को भी सैदाबाद ट्रांसफर कर दिया गया। देखिए प्रयागराज से डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज चैनल प्रदीप मिश्रा की रिपोर्ट। प्रदीप मिश्रा, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज प्रयागराज, फास्ट न्यूज इंडिया से। आज हम 132 के लिए झूसी हबूसा मोड़ पर पहुँचे हुए हैं। आइए यहाँ जानकारी लेते हैं कि आए दिन यहाँ से बड़े पैमाने पर रात में ट्रक द्वारा सामान निकाला जाता है। गार्ड का आरोप है कि गार्ड के ऊपर दबाव बनाकर बिना पास के यहाँ से सामान निकाला जाता है। आइए बात करते हैं इनसे, क्या मामला है। जी सर, मेरा नाम आदिल रशीद है। मैं यहाँ पे 132 के वी झूसी हबूसा मोड़ प्रयागराज पावर हाउस में ड्यूटी पे तैनात। क्या यही गेट है? जी हाँ, यही गेट है। इसी गेट से सामान पास होता है, बाहर जाता है। और जय ओम प्रकाश TG2 अरविंद कुमार यादव द्वारा बहुत बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार किया जा रहा है यहाँ पे। इसकी शिकायत हमने उच्च अधिकारियों को दिया है, चीफ साहब को दिया है, MD साहब को दिया है, चेयरमैन साहब को दिया है, मुख्यमंत्री पोर्टल पर डाला है, और जो है ऊर्जा मंत्री को दिया है और DM साहब को दिया है। क्या अभी तक कोई कार्रवाई हुई कि नहीं हुई? नहीं सर, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। और जब हम लोग गेट पास मांगते हैं तो जय ओम प्रकाश द्वारा आए दिन हम लोगों को धमकी दिया जाता है कि अगर मुँह खोलो यहाँ से तबादला करवा देंगे। अच्छा। और बहुत बड़े पैमाने पर सर यहाँ पे आयल, ट्रांसफार्मर तेल, कापर, ये सब बहुत बड़े पैमाने पे जो है भ्रष्टाचार किया जा रहा है। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। और शासन प्रशासन से आप क्या चाहते हैं? सर, शासन प्रशासन हम चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो और दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, जिससे जो है भ्रष्टाचार खत्म हो। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो है भ्रष्टाचार के लिए इतना जागरूक हैं कि भ्रष्टाचार खत्म हो और यहाँ बड़े पैमाने भ्रष्टाचार हो रहा है। आपको बताना चाहेंगे हबूसा मोड़ 132 केवीए का पावर हाउस के प्लांट यही है जो यहां से जो है गार्ड के ऊपर दबाव बना के बिना पास के यहां से सामान रात में निकाला जाता है ट्रक द्वारा। प्रदीप मिश्रा के साथ कैमरामैन वरण, 7-8 लोग मिलकर सामान से भरा ट्रक निकाला गया। क्या गेट पास वगैरह नहीं था? गेट पास जय ओम प्रकाश द्वारा गेट पास हमको नहीं दिया गया। तो आप शासन प्रशासन से क्या चाहते हैं और इसकी जानकारी क्या आपने शासन प्रशासन को दिया? हमने इसकी शासन प्रशासन जहां जानकारी हमने दिया, इसकी जानकारी अधिकारी को भी दिया। क्या इसकी कोई कार्रवाई हुई? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई इसकी। तो आप क्या चाहते हैं शासन प्रशासन से? हम शासन प्रशासन से यही चाहते हैं इसका निष्पक्ष जांच हो और दोषियों को सजा मिले। 132 पावर हाउस, जिला इलाहाबाद, झूसी पावर हाउस, हबूसा मोड़, ओम प्रकाश जेई, हम लोगों से 2.5 साल काम करवाए। हम लोग जो कहे वो करने तैयार थे और किया गया साहब।
हम लोग जो है 2500 रुपये घूस मांगते थे, नहीं दिया गया हम लोगों को निकाल के। घूस ओम प्रकाश जी, हम लोग नहीं दिया गया, हम लोगों को निकाल के गेट से बाहर कर दिए। जबकि कितनी ट्रकें हम लोग लादा गया साहब गेट के बाहर, जोन बाटे निकल रहे हैं जबरदस्ती, कहाँ बड़े साहब का आदेश है। और जो वहाँ बॉडीगार्ड जो खड़े थे फौजी, उन लोगों को फर्जी जो है कागज़ दे के फिर ट्रक